हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, तो आप काम समझ सके होंगे कि आज क्या काम होने वाला है इस गाड़ी में। ये देख सकते हो, इसका जो डिग्गी ग्लास है ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। तो इसके जो ग्लास की कटिंग करके हम इसको हटा रहे हैं, और इस दरवाजे का भी ग्लास ब्रेक हो चुका है और आगे का ग्लास भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो आज हम इसमें तीन ग्लास डालने वाले हैं, फ्रंट ग्लास इसका, डिग्गी ग्लास और इस दरवाजे रियर लेफ्ट डोर का ग्लास। ये गाड़ी है मारुति सुजुकी एसक्रॉस। तो आप देख सकते हो जो पीछे डिग्गी ग्लास है उसकी हम कटिंग करके इसको प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं, ताकि जो है कि नया ग्लास लगेगा तो उस फिटिंग में दिक्कत ना आए। तो इसमें जो रहे हुए जो कांच है उसको हम प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। और देख सकते हो डेंटर साहब ने हेलमेट पहना हुआ है, वो इसलिए ताकि जो ग्लास उड़ के कहीं आइज़ में ना लगे। और प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको पता है सेफ्टी फर्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो में देख रहे हो कि धीरे 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 करके हम इसको ग्लास फिटिंग को हटा लेंगे। और आप देख सकते हो ग्लास फिटिंग इसमें हमने हटा ली है, और प्रॉपरली जो ग्लास इसमें डिग्गी में पड़े हैं उसको हम निकाल लेंगे, साफ कर लेंगे। और देख सकते हो अब बारी है अगले ग्लास की, इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही तरीके से इसकी कटिंग कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में हमें दो बंदे की ज़रूरत है। तो देख सकते हो आगे की जो फिटिंग है, कोल टॉप ग्रिल वो हमने खोल ली, इसकी वाइपर ब्लेड है वो भी हमने खोल दी है। तो इसमें हम स्केल डाल रहे हैं, ताकि जो है कि जो रास्ता बन सके ग्लास कटिंग का, एक वायर के साथ में हम इस ग्लास को कटिंग करेंगे इजीली। एक बंदा बाहर चलेगा इसमें, एक बंदा अंदर के साइड, ये देख सकते हो एक ये बाहर बंदा खड़ा है और एक अंदर डेंटिस्ट साहब लगे हुए हैं। और एक कटिंग वायर हमने ले रखी है, जिससे कि धीरे 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 इस ग्लास को लास्ट तक हम काटते जाएंगे। और इतने तरीके से इसको काटने वाले हैं, ताकि जो अंदर से भी डैशबोर्ड पे भी निशान ना आए, और बाहर से भी कोई पेंट के निशान ना हो और पेंट कहीं उतरे ना। तो बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान रखते हैं, जिससे कि कस्टमर का डैमेज ना हो और काम भी प्रॉपरली हो सके। तो आप देख सकते हो धीरे 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 हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस में। ग्लास भी काफ़ी लंबा है, ये मारुति एसक्रॉस का ग्लास है। और ये लास्ट सब देख सकते हो नीचे की साइड आ चुके हैं काटते हुए, अंदर की साइड आप देख सकते हो स्केल के साथ में हमने वायर बांधी हुई है, आराम से ताकि जो है कटिंग आराम से हो सके। और लास्ट तक हम पहुंच ही गए हैं, और शीशा हमारा कट चुका है। और आप देख सकते हो इसको इजीली रिमूव कर देंगे इस गाड़ी से, और इसको एक साइड में रख देंगे। ये उठाना भी बहुत इजीली पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी ग्लास उड़ के कहीं आइज़ में ना लग जाए। आइज़ का सबसे ज़्यादा खतरा होता है इस केस में। और जैसे भी इस पर अब ग्लास डैशबोर्ड वगैरह पे पड़े हुए हैं, उनको हम क्लीन कर लेंगे। और जो पुरानी सीलेंट लगी हुई है, जिससे कि ग्लास चिपका हुआ था, पेस्टिंग जो थी इसकी, उसको भी हम धीरे धीरे साफ़ कर लेंगे, ताकि जो नई सीलेंट लगेगी उसकी पकड़ अच्छी हो। देख सकते हो ये स्केल से हम इसको प्रॉपरली तरीके से पुरानी सीलेंट है साफ कर लेंगे। और ये क्वार्टर पैनल है, यहाँ भी चोट आई हुई है, तो इसको भी हम रिपेयर करेंगे। और जो इसका बम्पर ये भी निकला हुआ था, उसको भी सेट करेंगे। ये देख सकते हो ये नया शीशा हमारा आ चुका है पिछले दरवाजे का, और इस दरवाजे में हम फिटिंग करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। हमने इसमें ग्लास फिटिंग कर दिया है, ये फिटिंग चल रही है इस दरवाजे की ग्लास की, देख सकते हो। और ये डिग्गी में हमने सीलेंट लगा दिया, पहले हम डिग्गी ग्लास लगाने वाले हैं। और ये आ चुका है डिग्गी ग्लास, बिल्कुल जेन्युइन ग्लास हमने यूज़ करा हुआ है इसमें, जो गाड़ी के साथ में लग के आता है। ये डिफोगर ग्लास होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। और देख सकते हो एक एक पॉइंट हमने नोट कर रहे हैं कि कहीं ग्लास अप डाउन तो नहीं है। और ग्लास हमने प्रॉपरली फिट कर दिया है, और थोड़े हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे इसको चारों तरफ से, ताकि ये पेस्टिंग इसकी प्रॉपर हो जाए। और जो हमने पेस्टिंग इसमें यूज़ की है सीलेंट, वो भी एम जी की यूज़ करी है,
होती है मारुति की, वो हमने यूज़ करी है इसमें, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। ये पिछले वाइपर ब्लेड के नॉब है वो हमने लगा दिए और प्रॉपरली इसको हाथों से दोबारा प्रेस कर देंगे। और ये देखो ये पिछले दरवाजे का ग्लास जो इसके अंदर हमने लगा दिया दरवाजे में, और ये आ चुका है फ्रंट ग्लास हमारा, ये भी जेन्युइन है। इसमें हम पेस्टिंग लगा रहे हैं, बीडिंग जिसको हम बोलते हैं, ग्लास के चारों तरफ बीडिंग होती है एक रबड़ की, उसको हम पेस्ट कर रहे हैं। ये है इसका पुराना ग्लास, पेस्ट कर देंगे इस बीडिंग को प्रॉपर तरीके से और कहीं से गैप ना हो जाए, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है इस बीडिंग से और कहीं गैप भी नज़र नहीं आता है बीडिंग लगने के बाद। तो जहाँ से शीशा कट किया है वहाँ से प्रॉपरली हम क्लीन कर लेंगे ताकि कोई इसमें ग्लास का कण ना हो और पुरानी पेस्टिंग भी ना बची हो, ताकि नया ग्लास लगाने में कोई गैप ना रह जाए और पेस्टिंग भी अच्छी हो जाए। और ये आप देख सकते हो ये है सीलेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं। देख धीरे 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 पूरे इस पे कवर करेंगे, कहीं पे गैप नहीं रह जाएगा। गैप रहेगा तो पानी आने का चांस ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है जब भी कोई ग्लास चेंज होता है तब। ये देख सकते हो मारुति सुजुकी की हम सीलेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा मोटिव यही रहता है कि कहीं भी इसमें गैप ना आ जाए और पूरे इस जो सीलेंट है वो पूरे एरिया पे कवर हो जाए। धीरे 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 हम इस पे कवर करने वाले हैं पूरे इस पे, पूरे लास्ट तक इसका जोड़ मिला देंगे ताकि कहीं गैप ना रह जाए। सो ऐसा ये कुछ प्रोसेसर होते हैं जो आप वीडियो में देख पा रहे हो। और अब हम लगाने वाले हैं इस पे नया ग्लास, ये देखो कुछ इस तरीके से नया ग्लास इसमें लगाने वाले हैं। बहुत ही प्यार से इसको रखना पड़ता है, हल्का सा भी कहीं एकदम से रखा गया गाड़ी पे तो ग्लास डैमेज हो सकता है। तो आप देख सकते हो कोशिश यही कर रहे हैं कि जहाँ इसका पॉइंट था पुराना वाला वहीं पे ही ग्लास फिक्स हो जाए। और इसमें कुछ पॉइंट होते हैं ऊपर के साइड होल दिए हुए हैं जिसमें कि लोग बैठ जाते हैं ग्लास के, वही होल इसमें देख रहे हैं, और वो उस होल में जाते ही ग्लास अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। देख सकते हो ग्लास हमने रख दिया है और ये फिक्स हो चुका है। और हम इसको धीरे धीरे हाथ फेर देंगे चारों तरफ ग्लास पे ताकि पेस्टिंग है अच्छे तरीके से कवर कर ले। सो गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है om/motors, ये देख सकते हो सैंड गोबिन का हमने जिसमें ग्लास यूज करा है जेन्युइन जो मारुति से लग के आता है, या तो मारुति सैंड गोबिन दे रही है या साई दे रही है, तो दोनों ही ओरिजिनल ग्लास है वो हमने इसमें यूज़ कर रहे हैं। और इसकी हम फिटिंग कर देंगे इस वाले दरवाजे की भी, देख सकते हो इसके दरवाजे की जो अंदर फिटिंग खोली थी वो भी हम फिटिंग लगाने वाले हैं। और फाइनली ये फिटिंग हमने इसी लगा दी है और अगला ग्लास भी फिटिंग कर दिया है, बस इसमें अभी लगने वाली है कोल टॉप ग्रिल और इसकी वाइपर ब्लेड अभी रह रही है वो इसमें। ये देखो वाइपर ब्लेड भी लगा दी है फाइनली, और पानी इसमें चेक कर रहे हैं नोज़ल में से पानी आ रहा है नहीं आ रहा वाइपर्स का। और ये देखो टिकी का भी लगा दिया, पेस्टिंग लगा दी है, टेप लगा दी है ताकि ग्लास निकले ना। सो कस्टमर को हमने हैंड ओवर कर दी है गाड़ी और आगे भी पेस्टिंग कर दी है। सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ऐसी ही वीडियो के लिए अपने इस पेज को ज़रूर फॉलो करो।